सिर्फ शक और भीड़ ने लगा दी सुताई। अक्सर ये खबर मीडिया की सुर्खियां बटोर रही हैं। आश्चर्य है, ना कोई कुछ पूछता है और ना ही सच से कोई मतलब। बस शुरू हुए तो तब तक ठोंको जब तक सामने वाला अधमरा ना हो जाए। देश के साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी भीड़ बच्चा चोर के नाम पर भड़ा भड़ करने में जुटी है और कानून कहीं ओट में जाकर झपकी ले रहा है। हरपालपुर स्टेशन पर एक बाबा पर बच्चा चुराने वाले गैंग के सदस्य होने का शक हुआ। फिर क्या था, भीड़ पिल पड़ी और खूब ठोंक डाला। एक युवक ने बचाने की कोशिश की लेकिन साहब वो खुद ही कुट गया। इससे पहले नौगांव में एक विक्षिप्त महिला इस भीड़ के हाथ लग गई। गरौली चौकी क्षेत्र में एक मूक बधिर युवक शक के घेरे में आ गया। बेचारा ना सफाई दे पाया और ना कुछ समझ पाया और उमड़ी भीड़ ने दे दना दन कर दिया। लगातार इस तरह की घटनाएं छतरपुर में आम होती जा रही हैं। घटना के बाद खाकी हरकत में आती है और मामला दर्ज कर वापस कोने में सट लेती है। पालपुर रेलवे स्टेशन की घटना है, इसमें एक राकेश खटीक नामक व्यक्ति के साथ पब्लिक ने मारपीट की है। इसमें उस पर बच्चा चोरी का शक था। पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह के अफवाहों से आम जनता बचे और इवन बीट स्तर पर भी सभी को बताया गया है कि जनता को जागरूक करें, इस तरह की अफवाहों से विचलित न हो और उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ एक अफवाह और एक के बाद एक बेगुनाह भीड़ के हाथ चढ़ते जा रहे हैं। इस भीड़ तंत्र से इनको बचाना आवश्यक है लेकिन साहब प्रशासन बेसुध। आखिर ये अफवाह कौन फैला रहा है और सवाल ये भी कि इसके पीछे मकसद क्या है। जवाब पुलिस को जल्द से जल्द तलाशना चाहिए, कहीं उफ इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।